तो यहाँ पे ना आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डू वॉन की प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उनके ऊपर नए नए केसेस जो हैं वो होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या लूना क्लासिक जो है, टेरा लूना क्लासिक जो पहले लूना था, अभी वो जो है क्या $1 जा सकता है? अगर $1 नहीं जा सकता, क्या 10 सेंट जा सकता है? अगर 10 सेंट भी नहीं जा सकता, क्या 1 सेंट जा सकता है? $0.01 क्या वहाँ तक भी जा सकता है या फिर नहीं जा सकता? पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो न्यूज़ आ रही है यहाँ पे कि टेराफॉर्म लैब्स के जो CEO हैं डू वॉन, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती जा रही हैं और एक नई वेव लॉसूट्स की यहाँ पे जो है वो आ गई है उनके ऊपर। और यहाँ पे आपने देखा होगा फैटमैन को, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे, फैटमैन जो है पॉपुलर जो है यहाँ पे अगेंस्ट डू वॉन, पॉपुलर जो है यहाँ पे फैटमैन क्रिप्टो करेंसी में जाने जाते हैं और उन्होंने जो है डू वॉन के खिलाफ लॉ सूट करने का यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है और वो भी जो है यहाँ पे डू वॉन के ऊपर यहाँ पे केस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है और एक क्लास एक्शन लिया जा रहा है अगेंस्ट टेराफॉर्म लैब्स एंड VC फर्म्स, जो VC फर्म्स हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, उनको भी यहाँ पे लूना फाउंडेशन गार्ड, जिन्होंने वॉलेट को होल्ड किया था, वॉलेट बनाया था लूना फाउंडेशन गार्ड, अगर आप उस वॉलेट के बारे में नहीं जानते, वो वॉलेट इसलिए बनाया गया था कि जब भी लूना यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगा तो उस फाउंडेशन गार्ड में जितने भी बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको यूज़ किया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए लूना को किसी भी कोलैप्स होने से या किसी भी अटैक से। लेकिन यहाँ पे उनका यूज नहीं किया गया टाइम रहते और यहाँ पे लोगों ने इतना ज्यादा अपना लॉस किया है, लोगों ने अपने करोड़ों रुपए, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई जो है यहाँ पे गवा दी है। और जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था और सिर्फ लूना में ही पैसे लगाए थे, तो उन लोगों ने अपना पूरा पैसा गवा के क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अभी बुरा भला कह रहे होंगे। लेकिन मैं आपको सिंसियरली ये कहना चाहता हूँ कि वो आपकी गलती है कि आपने अपना सारा का सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगा दिया, चाहे वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो अपने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। ये है जी हमारा टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये देखिए व्हाट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पे 6 मिनट 46 सेकंड के ये ऑडियो है, इसको आप ज़रूर ज़रूर सुनिए यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है और इसको मैनेज कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए आते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वो क्या करते हैं अपना सारा का सारा एक पैसा एक या दो प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और उसके बाद उनका बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है जो कभी रिकवर नहीं होता और वो क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर ये वाली ऑडियो जरूर सुनिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में 2022, 23 या 24, 25 तक क्या इसका प्राइस $1 जा सकता है, 10 सेंट जा सकता है, क्या 2022 में इसका डॉलर 1 सेंट तक इसका टेरा लूना क्लासिक तक का प्राइस जा सकता है। और जो लेटेस्ट न्यूज़ थी टेरा लूना क्लासिक की, वो तो मैंने आपको बता ही दी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 212 रैंक चल रहा है इसका कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें 0.4x09809 करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 24 के हाई लो की 0.3x01007 जो है हाई है, 0.34x09736 जो है वो लो है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 4.59% ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो है वो गिरावट आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इसका प्राइस $1 जा सकता है। तो मैं कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई झूठे वादे आपके साथ नहीं करना चाहता, जो प्रैक्टिकल बात है, जो रियलिस्टिक बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका प्राइस जो है $1 तक नहीं जाएगा। क्योंकि अभी देखिए 6,570 बिलियन जो है इसकी टोटल सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है यहाँ पे अभी जो चल रही है, और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लॉकचेन भी हॉल्ट की हुई है, यानी ब्लॉकचेन को पॉज किया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है सबकी कि इसका प्राइस ऊपर जाए और लोगों को प्रॉफिट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आई एम गोइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एनीबॉडी एल्स, तो यहाँ पे देखिए लूना क्लासिक के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव यहाँ पे अभी लोग जो हैं कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है। LUNC एक्सपेक्ट 1 सेंट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो हैं यहाँ पे लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है
टोटली एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड है। अगर कम्युनिटी इसको चलाना चाहे तो चांद तक भी नहीं तो रात तक, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लूना क्लासिक अभी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के सहारे है, लोगों के सहारे है, रिटेल इन्वेस्टर्स के सहारे है, हालांकि कुछ वेल्स भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें लूना क्लासिक जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर इसकी कम्युनिटी साथ देती है। और जिस तरह से कम्युनिटी बर्निंग जो है लूना क्लासिक के अंदर हो रही है टेरा लूना क्लासिक के अंदर, इसी तरह से टेरा लूना क्लासिक के अंदर कम्युनिटी बर्निंग होती रहे, बर्न न्यूज़ आती रहे लूना क्लासिक के बारे में, तो यहाँ पे जो है लूना क्वाइन हमें जो है बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। आपका क्या मानना है कि लूना में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल $1,000 है तो इसमें जो है सिर्फ मैक्सिमम $50 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो है बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम है असद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल।